वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइज, फिलहाल अभी हम लोग हैं मोर मिट्टी रेस्टोरेंट में, जो कि सिमडेगा में स्थित है। तो आज हम लोग मोर मिट्टी के फाउंडर जी से बात करने वाले हैं, कुछ अच्छी बातें करने वाले हैं। तो सबसे शुरू भैया जी, आपका नाम बता दीजिए हमारे दर्शक। सभी को जोहार, मेरा नाम है विश्वंभर नाथ नायक और हम लोग चार दोस्त हैं जिन्होंने मिल के इस जगह को बनाया है। तो उसमें है जो एक मेरी वाइफ भी हैं दीपाली नायक, मेरे दोस्त हैं असीम सिन्हा और डॉक्टर मीनाक्षी होरो, और मैं था विश्वंभर नाथ नायक। तो हम चारों लोग मिलके इस जगह को मतलब सोचे हैं इसके बारे में। अच्छा, तो भैया ये मोर मिट्टी रेस्टोरेंट का आइडिया कहाँ से आया? तो मोर मिट्टी, जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी से ही हम लोग जुड़े हुए हैं सारे। मिट्टी में आना है, मिट्टी में जाना है। हाँ। एक बोलते हैं ना कि मिट्टी किसी से सवाल नहीं करती, मिट्टी के पास हर सवाल का जवाब होता है। हाँ। तो हम लोग चाहते थे मतलब एज अ रेस्टोरेंट इसको ना देखा जाए, इसको इस तरह से देखे कि ये ओपन स्पेस है जहाँ की हर एज ग्रुप के लोग आ सके, एक बैठ के टाइम स्पेंड कर सके, एक मंच मिल सके। तो उस हिसाब से हमने मिट्टी को बनाया। तो अब क्या था कि हमारा आइडिया ऐसा है कि हम चाहते हैं पूरे इंडिया भर में हर स्टेट में इस तरह का एक इनपुट हो। तो मिट्टी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि हमारा जो जर्नी है यहाँ झारखंड में स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मोर को हमने आगे रखा है। मोर मतलब मेरी, जैसे मोर माटी बोलते हैं, तो मोर माटी का हमने मोर ले लिया और मेरी मिट्टी से मिट्टी ले लिया। मोर मिट्टी झारखंड से इंडिया तक, ये हमारा जो सफ़र रहेगा वो हम अपने आप हमेशा याद दिलाते रहेगा। कहाँ पे हो अभी झारखंड में, कहाँ तक जाना है, इंडिया भर में जाना है। कल को अगर इंडिया में हो गया, कहाँ से शुरू किए थे, झारखंड से शुरू किए थे। तो ये हमारे नाम में हमेशा के लिए रह गया कि मोर से शुरू किया और मिट्टी तक उनको जाना। और जैसे कि यहाँ का बहुत सारा डेकोरेशन रेनोवेशन का जो चीज़ें वो भी काफ़ी कल्चरल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में जो लाइट का सिस्टम लगा है वो कुमनी से है बेसिकली, ये झारखंड। तो ये सब जो यूनिक छोटा छोटा आइडिया है, ये सब बहुत ही लोगों को प्रभावित करता है। तो ये सब आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा मतलब लग रहा है ये सब को करके, और सिमडेगा में आपको किस नज़र से आप सिमडेगा को देखते हैं और इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जितना भी आप बांस देख रहे हैं, जितना भी डिज़ाइन देख रहे हैं, जितना भी काम देख रहे हैं, या जितने भी लोगों से आप अभी तक मिले हैं, हमारे हम लोग स्टाफ नहीं बोलते हैं, हमारे परिवार के सब सदस्य ही हैं, और सभी के सभी सिमडेगा से हैं, कोई सिमडेगा के बाहर से नहीं है। हर एक सदस्य जो हमारे टीम में है सब सिमडेगा से ही है। हाँ, कोई बाहर में काम करते थे, कोई कहीं पे मतलब ट्रक हेल्पर थे, कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, कोई मेड थे, इस तरह लोग बाहर काम करते थे। लेकिन अब सबको यहाँ पे ही एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिला, सबसे पहला। दूसरा हुआ, जितना भी बांस आप देख रहे हैं, कारीगर भी यहीं के थे, यहीं के लोगों ने बनाया। हम लोग देखे थे कि एक ट्रेनिंग हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू बांस कारीगरों का, शिल्पकारों का। तो हमने उसी टीम को 40 लोग 18 परिवार से मिल के इस जगह को 11 महीने में बनाया है। तो आप जो देख पाते हैं, ये लोकल फील इसीलिए आता है क्योंकि इसको बनाने वाले जो हैं वो लोकल हैं। और ये मोर मिट्टी रेस्टोरेंट को आने वाले समय में आप कहाँ तक देखना चाहेंगे? और वैसे तो काफ़ी सुंदर लग ही रहा है यहाँ पे, जितने लोग भी आते हैं काफ़ी अच्छा रिव्यू मिलता है हमें भी। बहुत शुक्रिया। आने वाले समय कहाँ तक देखना चाहेंगे? तो सबसे पहला जो हमारा मतलब, अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि इसको एक रेस्टोरेंट की तरह नहीं, एक स्पेस की तरह देखिए, तो हमारा सबसे पहला था कि लोग यहाँ पे बसे। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, पिछले एक साल से ये लोग सब यहीं पे ही हैं, और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है कि हमने इन्हें बाहर जाने से रोक पाए, इन्हें वो सारे फैसिलिटी, सारा वो अपॉर्चुनिटी हम यहाँ दे पाए। तो हम उसी तरह चाहते हैं कि जितना सिमडेगा भर में टोटल 450 विलेजेस है, हम लोग हर विलेज से एटलीस्ट एक एक इंसान को ना एक एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप कर सके, ये हमारा एक मतलब मोटिव है। अगर किसी को मोर मिट्टी रेस्टोरेंट में अगर आना है तो वो कैसे आएंगे, वो थोड़ा बता दीजिए एड्रेस पे। तो मोर मिट्टी को हमने जब सबसे पहला इस चीज़ को हमने ऐसे ही जगह को चूज़ किया है ना कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो, तो ये NH 143 पर ही है, सिमडेगा पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट के आसपास ही है, हेलनपुर नाम का एक जगह है ये। तो आप गूगल पे जाइए, सिर्फ मोर मिट्टी हेलनपुर टाइप कर दीजिए, या सिर्फ मोर मिट्टी भी आप टाइप कर देंगे तो लोकेशन आपको मिल जाएगा। ये सिमडेगा के हेलनपुर एरिया में स्थित है।